नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। एमआरजेडी कॉलेज के प्राचार्य और उनके गुंडे की एफआईआर होने के बावजूद अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना, इस मामले में सत्ताधारी पक्षों की मिले भगत जाहिर हो रही है। उपयुक्त बातें जीडीई कॉलेज में विभिन्न छात्र संगठनों के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार, एनएसयूआई के राजा कुमार, छात्र राजद के रवि यादव, आईसा के सोनू फरनाज ने संयुक्त रूप से कहा। उन्होंने कहा कि लिपापोती किसी भी सूरत में हमारा संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। जब तक अपराधी प्राचार्य और उनके गुंडे की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक हमारा संगठन संघर्ष करेगा। ज्ञात हो कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत आज दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन एनएसयूआई, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, छात्र राजद ने संयुक्त रूप से जीडी कॉलेज प्रचार कक्षा के पास छात्र प्रदर्शन किए। तो हमारी दायित्व बनती है कि एक कार्यक्रम जीडी कॉलेज के माध्यम से भी ये संदेश दिया जाए, चूंकि वहाँ के अहंकारी जो प्रिंसिपल है उनके द्वारा बार बार कहा जाता है सभी छात्रों को कि भाई ये जीडी कॉलेज ना है, होश में रहो। तो हम ये साफ शब्दों में कह देना चाहते हैं, जीडी कॉलेज में जितना छात्र पढ़ता है, तकरीबन 36,000 के करीब छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं, 36,000 ईटा नहीं लगा होगा उस एमआरजेडी कॉलेज के बिल्डिंग में। यह जो बेतुका बातें हमेशा करते रहते हैं, इन्हें हम साफ शब्दों में कह देना चाहते हैं। और हमारी जो ये मुख्य मांग है अभी कि जिला प्रशासन से ये मांग है, एसपी साहब से मांग है कि अविलंब अपराधियों की गिरफ्तारी हो, जबकि नॉन बलेबल धारा लगा हुआ है। एफआईआर 24 तारीख को ही लॉन्च हो चुकी है, बावजूद इसके 4 दिन बीत चुका है, लगभग 96 घंटे बीत चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो हमारे संयुक्त छात्र संगठनों की ये मांग है कि अविलंब अपराधियों की गिरफ्तारी हो, अन्यथा छात्र उग्र होंगे तो सड़कों पर आएंगे। अब तक गांधी जी के अहिंसावादी विचारधाराओं पर चल रहे हैं हम लोग, आने वाले दिनों में हम लोग कहीं ना कहीं भगत सिंह की राहों पर चलने का काम करेंगे और फिर सड़कों पर होंगे, तो इसका अंजाम बहुत भयावह होने वाला है। यदि छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगी सड़कों पर, जब खून बहेगी सड़कों पर आग अशोक सिंह के महल में भी लगेगा। छात्र को आप पीट कर आप घूम रहे हैं, अभी पूरा मोइना कर रहे हैं, भागे हुए हैं, घर में है नहीं वो, और प्रशासन और सत्ता के संरक्षक जो है वो उन्हें संरक्षण दे रही है कहीं ना कहीं रखने में। तब तक अब 3 दिन हो गया उस पर एफआईआर किए हुए और उसको पकड़ा नहीं गया, कहीं ना कहीं बिल्कुल वो सत्ता के संरक्षण में और प्रशासन जान बूझ कर उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। हम लोगों ने बार बार डीएसपी सर से मिला, एसडीओ से मिला, सभी लोगों से बार बार कल हमने राजकुमार सर विधायक जी से भी मिला, लेकिन आश्वासन पर आश्वासन आ रहा है, लेकिन अपराधी अब तक उनके शिकंजे से बाहर है। यदि अभी पकड़ा नहीं जाता है तो हम लोग कल भर का टाइम फिर देते हैं, परसों हम लोग सड़क पर उतरेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही जिला कप्तान की होगी, उसमें हम लोगों की कहीं कोई अति नहीं है। जाहिर मांग है ये कि जो गुंडा प्रिंसिपल है उनकी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये हम लोग जिला प्रशासन से बार बार मांग कर रहे हैं कि वो खुले, उनके ऊपर नॉन अवेलेबल एक्ट लगा हुआ है तो उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है, ये हम जिला प्रशासन से बार बार मांग करते हैं। अगर उनकी गिरफ्तारी 24 घंटा के अंदर नहीं होती है, सभी छात्र संगठन एक आह्वान करेंगे, बेगूसराय बंद का एक आह्वान करेंगे और हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे और उनकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन के ऊपर होगा और जिला पुलिस कप्तान के ऊपर होगा। विद्यालय के प्रशासन के द्वारा एक सकारात्मक रिजल्ट दिया गया है, छात्र हितों में रिजल्ट यह है कि किसी भी प्रकार का विश्वविद्यालय का कोई भी एग्जाम अब एमआरजेडी कॉलेज में नहीं जाएगा। इस ये हमारी लड़ाई की पहली जीत है। अभी हमारी मांग है कि जो जो गुंडे मवाली उस छात्र छात्राओं को पीटने में थे वह अभी भी आजाद हैं, किन्हीं ना किन्हीं का संरक्षण प्राप्त है, वह अभी भी आजाद घूम रहे हैं। तो हम जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लगातार धरना करके मांग कर रहे हैं, ज्ञापन दे करके मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो और उसे सलाखों के पीछे डाला जाए। इसी को लेकर के आज हम धरना पे बैठे हुए हैं। एक बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष के द्वारा एक बयान जारी होता है कि छात्र गलती किए होंगे, तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी के ही द्वारा उसे बचाव किया जा रहा है। वो ऐसा बोले हैं, क्या वह छात्र आतंकवादी था, क्या वह छात्र क्रिमिनल था जो ऐसा बयान उन्होंने दिया है, कहीं ना कहीं बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। मैं खुलेआम बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। मैं जनप्रतिनिधियों को भी यह आगाह करवाना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अपना छत्र छाया वहाँ से हटा लीजिए, अन्यथा उसके साथ साथ आपका भी काला चिट्ठा खोलने का काम करेगी। वी टाइम न्यूज के लिए बिहार बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट।